थर्ड इज द विल. सो विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इन टू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ. इट इज इन सेक्शन 2 क्लॉज एच. अ विल मीन्स इट्स अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर्स टू टेक इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ. मीन्स आफ्टर हिज डेथ टू होम द प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और वॉट विल बी द मेथड दैट एवरीथिंग इज गिवन और एक्सप्लेन इन दैट लीगल डिक्लेरेशन दैट इज कॉल्ड एज अ विल. इट इज अ यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट एंड टेक्स इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट. मीन्स दिस टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन दैट इज द विल एंड इट कैन बी रिवोक्ड और अल्टर्ड बाय द मेकर ऑफ इट एट द एनी टाइम ही इज कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी. मीन्स दैट पर्सन हु मेक्स द विल इज ओनली have the authority to change that will and when he can make that will or when he can alter that will when he is alive. Means while making that will or before his death he is able to revoke or to alter that will. The person who makes the will is called testator. The will takes effect only after the death of the person making it. Indian Succession Act 1925 governs the will made by a Hindu, Sikh, Christian, Jain or a Buddhist. Will.